अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं जो अपने परसों तक केंद्र सरकार में मंत्री थे, दिवंगत हो गए, केंद्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास जी पासवान, उनको मुख्यमंत्री का निधन हुआ। बिहार के पूर्व रूप से रहने वाले थे, लेकिन बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। कई सरकारों में वो केंद्र में मंत्री रहे। बिहार की राजनीति के को एक धुरी ऐसा माने जाते थे। 5 जिलों में ऐसा बताते हैं बिहार में उनका अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का बताकर वर्चस्व चलाते में था। उनके निधन होने पर मैं दोनों पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ये वर्तमान प्रदेश की सरकार बनने के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की अब जो कि सूचना में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना हो पाई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं हो पाई थी। कल ही हम लोगों ने तय किया था कि आगे से बड़ौदा के सब चुनाव में सभी कार्यक्रम वो गठबंधन के नाते हुआ करेंगे, तो भी प्रतिनिधि के नाते से हमारे नेता बीजेपी के यहाँ आए हैं। तो एक प्रकार से मानना चाहिए कि गठबंधन की आज कार्यकर्ताओं की पहली बैठक हो रही है। मैं आह्वान करूंगा तो न केवल चुनाव तक बल्कि इसके बाद हमारे जो भी चुनाव से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, पार्टी के कार्यक्रम अलग अलग तरह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनावी कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम ये सब गठबंधन के नाते ही लगातार अच्छे प्रेम प्यार से आत्मीयता से और एक ज्वाइंट एफर्ट से ये हमारे चलते रहे। ऐसा हमने सबको जो भी कार्यकर्ता बीजेपी के हों जेजेपी के हों मिल करके चलने का अभ्यास, वैसे मेरा अभ्यास पुराना है, पहले भी हम बहुत वर्षों तक गठबंधन करके ही चलते रहे हैं, अनुभव हमारा पुराना है। तो उस अनुभव के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हम एक सफल सफलता से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे, ये आपसे निवेदन। आज यहाँ मुख्य रूप से जो ये बैठक हो रही है कार्यकर्ताओं की, इसमें एक ही बात है, पता है सबको कि बड़ौदा का चुनाव ये हमारे लिए टारगेट है। 3 नवंबर को चुनाव का दिन है, 10 को परिणाम आ जाएगा, 16 तारीख तक नॉमिनेशन है, अक्टूबर जैसे कार्यक्रम की रूपरेखा होती है वो सारी बन गई है, तय हो गई है। अब तो हमको उसी के हिसाब से जैसे एक मैकेनिकल तरीके से टाइम के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना वो बढ़ाना उसका डूब और अंत में दूसरे साइड आ जाना। जैसे कहावत है जो मारे समीर जो ताकत अपनी दिखा करके और जनमत को ज्यादा संग्रह कर गया उसकी जीत और दूसरे की हार। ये बात भी ठीक है कि ये विधानसभा सीट हमने पहले कभी जीती नहीं। बुलाओ ना रे, बोलो ना, आजा लड़ो आराम से। कांग्रेस ज्यादातर समय इस पर जीतती रही है, बीच में कभी कभी इनेलो ने भी जीती है, ये मुझे पता नहीं कितनी बार इनेलो जीती, कितनी बार कांग्रेस जीती, कितनी बार इंडिपेंडेंट बने, लेकिन हम लोगों ने ये सीट कभी जीती नहीं। अगर ये चैलेंज है तो कांग्रेस के लिए तो हो सकता है, हमारे लिए एक अच्छा अवसर है, उनके लिए चैलेंज है, वो अपनी सीट के बचाने के चक्कर में रहेंगे, हमारे लिए अवसर है कि हम एक नए उत्साह के साथ हमें चीज प्राप्त करने के लिए हमको तो अवसर मिला है, तो इस अवसर का उपयोग करना है। जैसे पिछले 5 साल जितने चुनाव हुए 5 साल में हमने कोई चुनाव हारा नहीं, चाहे वो पंचायतों के चुनाव थे, नगर निगमों के थे, नगर पालिकाओं के थे, बीच में बाई इलेक्शन आ गए, 5 नगर निगमों के फिर बाद में आ गए, जीत चुनाव भी आया, 5 साल हम कोई चुनाव हारे नहीं। उसी क्रम को बनाए रखते हुए ये इस 5 साल का पहला चुनाव,
तो पहला चुनाव उसी शिद्दत से हमने लड़ना है कि जीत को सुनिश्चित करना, क्योंकि ये पहला चुनाव बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव है। इसके तुरंत बाद नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव आएंगे, बहुत दूर नहीं, एक आध महीने में आ जाएंगे, और उसके एक आध महीने बाद पंचायतों के चुनाव आ जाएंगे, जिला परिषद, पंचायत समितियां, पंचायत में बहुत बड़ा चुनाव होगा, और मिलके ही चलेंगे, हम मिलके ही लड़ेंगे अगले चुनाव के साथ। हम अपने इस गठबंधन को एक स्थायी गठबंधन के रूप में देख रहे हैं। डॉक्टर मंगल सैन जी, चौधरी देवलाल जी हाथ में हाथ पकड़ करके उस समय देखा कितने सफल आंदोलन उन्होंने चलाए। 1987 का जल युद्ध हमको याद है, लोंगोवाल से पहले जलयुद्ध नाम से पूरे प्रदेश की यात्रा की थी, और उस समय परिणाम जो चुनाव उस समय 87 में हुआ था, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें आ गई थी? 85। कुछ इंडिपेंडेंट थे और 85 में शायद 80 सीटें हमारी दोनों की आई थी, 5 इंडिपेंडेंट थे, 5 कांग्रेस थे, अगर मुझे याद है तो कांग्रेस के तो 5 ही थे। एक ठीक तरीके से सोच रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर 1-1, 2-11 जब हो जाते हैं तो चुनावी गणित तो फिर आपको पता है कैसे चलता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमको सारी योजनाएं बनानी है। एक साल पहले भी यहां जब चुनाव हुए, यात्रा भी मेरी हुई, तो इस विधानसभा में बड़ौदा में भी और गोहाना में भी कार्यक्रम किए थे, जन आशीर्वाद यात्रा। इतना ही अंतर है कि उस समय हम सरकार बनाने के लिए आए थे, आज सरकार बना करके और उसमें एक सीट और जोड़ने के लिए आपके पास आए। अपनी सरकार और मजबूत हो, इसमें एक ही सावधानी बरतना, हल्की भाषा का प्रयोग कहीं मत करना। एक आदमी हल्की भाषा घमंड में आकर प्रयोग कर जाता है कि हमें क्या फर्क पड़ेगा, कभी किसी ने नहीं बोली। मजबूती तो लगातार हर किसी को चाहिए, तो अपनी सरकार और मजबूत हो, एक संख्या की और वृद्धि हो, ये अपने को चाहिए। और ये हमने जींद में करके देख लिया है, जींद में भी कोई सरकार बनाने के लिए एक सीट थोड़ी चाहिए थी। हमारे एक विधायक की वृद्धि हुई, पहले 47 थे, एक और जुड़ के 48 हो गए, लेकिन मैसेज क्या गया कि ये लोग बड़े बड़े धुरंधरों को भी दिन में तारे दिखा देते हैं। सारे देश में ये खबर गई, अरे सूर्य बड़ा हर गया, लोग हैरानी हो गए कि जो अपने शीर्ष नेता का दायां हाथ कहलाता है और वो एक विधानसभा में हार गया। तो वही उसका दायां हाथ है या एक हाथ बात है कि मैं वही कह रहा हूं। तुम्हारे कारण का जब करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। तो इस बार भी कांग्रेस अखंडे बनाएगी, लेकिन उनको सावधान रहना, उनके जितने झूठ हैं उन सबको फेल करना है। ताजा ताजा झूठ किसानों को बहकाने में वो कर रहे हैं खुद, MSP चली जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये तो किसान ही बताने लग जाएंगे 15 दिन बाद कि ना जी मंडियां भी वही है, MSP भी है, और हमें तो सारी फसलें आसपास के प्रदेशों में जहां कांग्रेस है, राजस्थान और पंजाब, उनसे ज्यादा भाव में बिक रहा है। बाजरा ना राजस्थान में बिक रहा है, ना पंजाब में बिक रहा है, मक्का ना बाजरा में, ना राजस्थान में बिक रहा, ना पंजाब में बिक रहा है, कपास वहां तो खरीद नहीं रहा है,
हमने तो अपने यहाँ सीसीआई से यहाँ करा ली है कि 100% आपकी के साथ कपास हम खरीदेंगे, 100%। यही अपेक्षा है सरकार की, चाहे वो प्रदेश हो चाहे केंद्र, कि गलत काम मत करने दो किसी को। उन्होंने कंडीशन लगा दी कि आपकी कपास 12% की, अगर क्योंकि कपास का पैरामीटर 12 है, कि 12 से अगर मॉइस्चर ऊपर है तो नहीं खरीदेंगे, 12 है तो सारी खरीदेंगे। पहले उनकी लिमिट होती थी 25-30%। हमें क्या, हमको खरीदना है और वहां से भेजा कराना है, तो पर वही अपना ले आएंगे और हमारा उद्योग बहुत बढ़िया चलने वाला है। हमने भी कह दिया किसानों को मॉइस्चर 12% जितनी ला सकते ना। यही चीज हमने बाकी मंडियों में कर दी, चाहे धान है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है, चाहे मूंग है जो आजकल चल रही है, पहले सरसों गेहूं वो हमने सब ठीक से खरीदा, और एक नई फसल भी हमने 2 दिन पहले जोड़ ली है, इस बार मूंगफली भी MSP पर खरीदेंगे। इधर नहीं होती, फतेहाबाद हिसार सिरसा में होती है, वो बेचारे 1,000 रुपया क्विंटल कम बेचते हैं, 5,300 की बजाय वो 4,500-4,800 में जाते हैं, हिसार में आते। तो हर फसल जो जो MSP पर आ गई है, हरियाणा कुछ नहीं छोड़ेगा, चाहे घाटा पड़ जाए अपने किसान को लाभ देने के लिए हम करेंगे, दूसरे प्रांत के फायदे के लिए हम नहीं करेंगे। बाजरे के व्यापारी राजस्थान से बाजरा ला ला के बॉर्डर पर उन्होंने ट्रक लगा रखे हैं, ट्रेलियां लगा रखे हैं, नहीं आने देंगे। इसकी आलोचना कोई करता रहे तो करता रहे, हमें हमारा हरियाणा का किसान ही प्यारा है, हमारी जिम्मेवारी प्रदेश की। केंद्र सरकार जो चीजें खरीदती है वो कहीं भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों, जी जान के साथ आप लोग जुट जाओ, हम भी नेतृत्व के नाते से, चाहे वो JJP है चाहे BJP है, आप सब डट के खड़े रहेंगे। एक हमारे कमांडो अब ड्यूटी देते हैं, बेचारे 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी देते हैं, गर्मी भी होती है, सब कुछ होता है, तो हिम्मत मानता हूँ उनकी। हम तो फिर भी कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, लगातार हमारे साथ खड़े खड़े ड्यूटी देते रहे, हिम्मत है इन लोगों की। तो कुल मिलाकर के सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के जान से लगे रहे, नेतृत्व की ओर से कोई कमी नहीं आने देंगे। और इस बार का चुनाव थोड़ा विशेष प्रकार का रहेगा, सभाएं बड़ी नहीं होंगी, अगर कोई सभा करने के लिए नेता आएगा भी सी, तो 100 की हाजिरी यही करनी। आज भी बल्कि आप लोग ज्यादा इकट्ठे बैठे हैं, आप 100-100 करके आओगे तो हम 10 जगह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब नेता अलग अलग जाके बात भी कर लेंगे, सारे नेताओं को भी इकट्ठे आना जरूरी नहीं है, सारे कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव आयोग का थोड़ा व्यवस्थाओं का प्रबंध करना पड़ेगा। और फिर कोरोना के कारण से ये सब बंधन लगा है, अब कोरोना कोई उसका फायदा चुनाव आयोग को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, नुकसान सबको है, हमें भी बचना है उसे। मैं भी चक्कर काट के आया हूँ कोरोना के घर का से। कई बार बहुत दुखद घटनाएं हो जाती हैं इन चीजों में से। हमारे आज एक विधायक के भाई के डेथ हो गए कोरोना के कारण से, घनश्याम जी हो गए से मैदान था। तो कुल मिलाकर हम लोग हरियाणा में पिछले जो 5.5 साल किया वो बताना है सबको, पारदर्शी नौकरियां बतानी है, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई है वो बताना है, विकास में कोई कमी छोड़ी नहीं है वो बताना है, और सब काम सबके लिए किया, इस इलाके में भी किया है, इस इलाके में भी कमी नहीं छोड़ी। गलत बात है कि हम अगर घोषणा भी करके जाते हैं तो कई बार विधायक को उसके पीछे लगता है, पूरा खड़ा पड़ता है, लेकिन यहाँ के विधायक जैसे थे वो आपको पता है स्वर्गीय हो गया, घोषणा करना ठीक नहीं। लेकिन 6 साल के 5.5 साल हमारी जो सरकार 5 साल पिछली 6 महीने ही है, कभी भी एक बार आके उन्होंने ये नहीं क्या कहा कि भाई बड़ौदा में ये काम जरा तेज करना है, कभी करना है जरा चालू करा दो, कभी नहीं कहा।
हालांकि बाकी विधायक सब कहते हैं विपक्ष के भी अपने भी सब कहते हैं, लेकिन अब ठीक है उनको चल रही थी गाड़ी चंगे, अब उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं है उस प्रकार की किसी को ले जाए। वैसे तो उनके अंदर जो जितने चल रहे हैं वो चल रहे हैं, वो खींचाता आपको सबको पता है, हमारे यहाँ कोई खींचाता नहीं है, नाम यहाँ भी हैं काफी हैं, लेकिन उन सबको बुला लेंगे और सबको बुला के कहेंगे भाई देखो एक नहीं लड़ना है, सबने तो लड़ना है, मतलब एक नहीं लड़ना है तो हम चिंता सबकी करेंगे, चुनाव एक लड़ेंगे आप सब मिले बोलते उसको जिता के। वेटिंग लिस्ट वाले हो जाएगा इस महीने में काम था, अरे इस महीने में हो जाएगा काम था, बस ठीक है, अरे ठीक है बैठ जाओ भाई बात करने पर। इस बार चुनाव की पद्धति कैसी है, एक एक कार्यकर्ता अपना एरिया निश्चित कर और अपने साथ चार की पांच की टीम बना के घर घर जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा इस बार। हर वोटर को संपर्क करना, उसको बताना, जितने मुद्दे हैं अपने विकास वाले, ईमानदारी की जो हमारी सरकार का एक पहचान है वो, भ्रष्टाचार नहीं सहन करेंगे वो, पारदर्शिता है वो बताओ, और लोगों का जीवन कैसे सरल करेंगे। हमने बहुत सरकारी सेवाएं योजनाएं वो ऑनलाइन की हैं इसलिए कि गांव में बैठा हुआ जो सीएससी सेंटर है वहां जाओ क्लिक करो अपने अप्लाई करो फट प्राप्त करो, कोई भी काम हो किसी का, किसान का हो, व्यापारी का हो, किसी इंडस्ट्री वाले का हो, किसी रोजगार का हो, बेरोजगार का हो, सब उसने पोर्टल बना दिए, हमारे पास भीड़ लगाएंगे नहीं, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे, ठीक है ना। पहले बहुत चक्कर काटते थे लोग, हमें उसी दिन लगा के चक्कर काटने के बजाय हमें तो सीएम इंडो बना दी, भाई अपनी बात इस प्रकार को मत बता दें, 7 लाख कंप्लेंट्स आई हमारे पास सीएम इंडो अगर ना आया कहीं काम ना होने वाला वो पूरा एस्टिमेट मिल जाता है, मान लीजिए ठीक है ना। हमारे ओम प्रकाश जी शकुंतला जी भी आते रहते कभी ठीक है, नहीं सभी मुझे ध्यान देता है, महावीर जी एक बार खासा महावीर है ना, तो कुल मिलाकर बात करने का विषय नहीं है, हम लोग एक मतलब के अलावा ये नमूद पकड़ करके मतलब है करने तो सारी है ना, बैठे हैं तो इसलिए सारे मेहनती है, कोई कम नहीं है, मैंने बताया बड़ी सूची है, लेकिन एक मैंने बताया कि हम सब मिलकर के एक को ही जिता पाएंगे, अगर कहीं तोड़फाड़ हो गया तो फिर छुट्टी है, ठीक है ना। सब के हाथ में कमल होगा जी, तो अब हमने ये तो तय कर ही लिया कि कमल के निशान पर लड़ना है, तो वोटर को समझाना है कि कमल के निशान हम कार्यकर्ता गठबंधन के कार्यकर्ता है, हमको सुचारू ढंग से अपने सिस्टम को आगे बढ़ाना और कैसे हम जीतेंगे इसकी योजना प्लानिंग हर बूथ के हिसाब से अलग अलग बनाएंगे। मुझे अच्छा लगा जो परिचय कराया कि इतने सारे बूथ के प्रमुख हैं, जो हमारे प्रमुख हैं, जो हमारे विस्तारक हैं, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ के लगे हैं, सब लोग अपने एरिए घर बांट लो, 100-100 घर भी बांट लेंगे और एक 500 कार्यकर्ता 50,000 परिवारों में चले जाएंगे, तो आज मीडिया वाले लोगों को मैंने कहा कि 1.5 लाख वोटर को व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, 500 कार्यकर्ता 100 परिवार, हर परिवार के 3 वोटर होते हैं एवरेज, 1.5 लाख बन जाते हैं और 15 दिन में 100 परिवारों में जाना कठिन नहीं है। नहीं एक राउंड तो हो चुका, मुझे तो लग पता है कि काफी दिनों से हम लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इस इलाके का ध्यान पता क्यों रख रहा हूँ ज्यादा, जब मैं अगस्त में यहाँ आया था 3-4 गाँव में गया था
उस दिन एक बात मैंने कही थी, मैंने कहा कुछ यहाँ की जनता या यहाँ के कार्यकर्ता कहते हैं हमारा तो विधायक नहीं है। मैंने ये कहा था कि देखो कभी दुर्भाग्य से कोई ऐसी सीट खाली हो जाती है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ तो विधायक नहीं, क्योंकि इस सिस्टम का मुखिया, सरकार के मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि जब तक मैं विधायक चुन के नहीं आता तब तक मैं यहाँ का हूँ। मैंने 2 महीने में ये सारे करा दिए। नहीं नहीं वो जो विधायक होगा उसकी पावर होगी भाई, अपनी पावर का इस्तेमाल करे ना करे उसका काम है। विधायक के नाते जो हमारी पावर थी हमने 2 महीने में किया है, और अब नया विधायक आएगा तो वो बात और उसके हाथ में सौंप देंगे, मेरा काम है करा। इसलिए जो विधायक बनेगा वो सरकार का हिस्सा बन करके आगे चलेगा। सरकार अपनी है, सरकार का हिस्सेदारी करनी है। तो आप लोग कमल के निशान वाले कैंडिडेट को बता देना, हाँ चल नहीं करनी है कारण के सब करनी है ना, करनी है तो आप डट करके लग जाओ। मैं बड़ौदा के सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ, हम पहले भी आपके साथ अपना तना दुबाल करना बाल, और अब चुनाव के जितने के बाद हम और मजबूती से आपके साथ रहेंगे। निकलता कि मैं भी चंडीगढ़ बैठे बैठे बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बैठो। एक आज एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज की चर्चा जो है वो जलेब गेल चर्चा है। आप तो जलेब खा के जाओगे, मुख्यमंत्री जी को खिलाकर इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप यहाँ आओगे दफ्तर में तो जलेब आपको खिलाएंगे, आपके पास गांव में जाएंगे तो जलेब आपको खिलाना पड़ेगा, तो जलेब गेल चर्चा होगी। थोड़ी सी चर्चा सिंबोलिक सिंबोलिक ले आओ भाई, जलेब लेके आओ भाई सिंबोलिक, थोड़ी सी कर, थोड़ी सी टेस्ट कर लो जी। आज ये शुरुआत करिए जी इस दफ्तर में, थोड़ा आगे से हट जाओ, थोड़ा भाई आगे से हट लो, आगे से हट जाओ। कमल जी आप पूरी खा के दिखाओ जी। एक कुरुक्षेत्र भूमि का 48 कोस का जल लेके आए, महावीर जी इधर आगे से आ जाओ, कोई दिक्कत आ जाओ। ये जल 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 तो महावीर गुड्डू जी राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर